बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, शादोबाद रहें, ढेरों खुशी से नवाजे। इस दुआ के साथ हम आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। जो बहन भाई नए हैं वो जल्दी से बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त तमाम बहन भाइयों को मिल सके। ये धुप बहुत ज़्यादा, मैं तकरीबन जड़ा ना आए नूं अद्धा घंटा होया, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस करके मैं ये दसना चाहना कि जरा ना गड्डी दी भी सूरत हाल सुमैरन ने दसी सी कि तरपाल लत्त की नेरी बहुत ज़्यादा आई है, तो तुम नहाओ घर। तो ज्यान की भी तबीयत ठीक नहीं सी है, उन्होंने भी दवाई दवानी है। तो उन्हें कहा भी तुम चक्कर लगाओ ना, फिर कल चले जाना। तो हूँ मैं आया, तो हूँ मैं अपने देखने वाले भैन भरावों दिखाना। अच्छा जी, गाँव जान की तैयारी करते हैं। तो कुछ कपड़े मैं अपने कट के इतने रखे हुए थे, इस हले मतलब रखने उधर किलियां वगैरह तो या नहीं रखे से, इतने कड्ढे जिस दिन सोफे पे पे आ उन्हें चो देख दें कि केड़ा सूट पा के जाना, केड़ा एक दो नाल लैके जाने। ये कर लें फिर बच्चों के कर दी कड़ के, तो फिर तैयारी कर दी। बच्चे स्कूल गए, 11 बज गए, उन्होंने आने तो पहले मैं उन्होंने अपने कपड़े प्रेस कर ला, तो फिर जाने की तैयारी कर दें। अच्छा जी, यह जो कपड़े लैके जाने मैं निकाल लिया, उन्होंने तय कर दी बैठ के, सारे निकाल के बैड पर रखे आ। जियान के भी, उमार के भी, अदन के भी, मेरे भी, चार बंद कपड़े आ। गर्मिया वा तो डेली फिर चेंज करना पैंता वा, एक थ्रेशर वगैरह लगिया होंगे वा, घट्टा मिट्टी बहुत आता वा। तो एक मतलब दसिया हुआ वा भी नेरी फिर आज आनी है, इस करके फिर मैं काफ़ी सारे कपड़े निकाले, उन्होंने बैठ के तय कर दी। फिर कुछ जो ना रखने ना रख दी, जो पाक जाने वो मैं इस्तरी कर लैनी हाँ। अदन बेटी आँदी है तो उन्होंने पुछदी कि कहड़ा फ्रॉक पा के जाना वा। तो चलो फिर हूँ मैं तो कहनी आप आ जाएगी, आप प्रेस किया हुआ वा ऐ वाला, जड़ा ऐ वाला इधरों निकाल लवाना। हाँ जी, ऐ वाला फ्रॉक अदन बेटी पा के जाएगी, आप ब्लैक पजामा पा लेगी। प्रेस तो किया लेकिन फिर खराब हो गया, दोबारा कर देनी है। उमार कर देंदी है किड़ा वाला, उमार ने तो कहना मामा जी मैंने वाइट शलवार से ब्लू कुर्ता दो आह वाला, ये मारदा कर लेनी हाँ। इतने मेरे नाल दी शलवार रखी से निकाल के है ले, ये मार दे प्रेस कर दी हाँ। तो मैं अपने वास्ते भी कोई निकाल लव कि मैं कि पाने हैं, तो वह भी कर लव, मैं ऐ पा ली ऐ वाले जो। अच्छा जी, कपड़े दिए तेव मैं लगा के रख दिया वा, हमने इन्होंने किसी छापर वगैरह च पाँदी हाँ, तो फिर दवाइया वगैरह भी ज्यादा दिए छापर च पाने, तो फिर मैं बच्चे आने वाले स्कूलों उन्होंने दोपहर का खाना बना के दे के फिर बच्चों की तैयारी करा। हाँ जी, हूँ इस पर मैं पानी मार दा वा, तो जरा ना पानी मार के तो फिर जरा इन साफ कर दा, खुशक कर दा, तो फिर इस जरा ना साफ सुथरा करके तो इन खड़ी कर दे। गड्डी थोड़े जिहा शीशे डाउन किए सी क्योंकि धुप्पे खड़ी रहती है, तो इस करके जरा ना अंदर भी डस्ट काफ़ी आ गई है, तो अंदर काफ़ी सफाई करने वाली हो गई है। हाँ जी, क्यों मार बेटा? तो असी हूँ जरा गड्डी पीछे करके हाँ जी सर्विस कर दे। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इस करके जरा ना मैं साफा बन के गया सी चक च, तो हाँ जी नहीं हूँ भी नहीं हजे लाना, हजे बेटा गड्डी धोनी है, उस तो बाद फिर जरा ना साफ करनी है गड्डी, तो फिर लाने साफा। हाँ जी, तैयार हो बैठा, तुम तैयार हो बैठे हो ना? मैं नहीं ना हजे तैयार। हाँ जी, जरा ना तुसी तैयारी कर ली? हाँ, कपड़े सारे मतलब तैह कर करके रखे हुए, मैं किसी दिन मार आएंगे तो फिर जान पकड़ेंगे, फिर शाप पर रखूंगी। अच्छा, अदन मार दें बस। उमार आस्ता बेटा, इस तरह नहीं चूल्हे कह देता, इस तरह नहीं पक्की चली दी इस तरह। हाँ जी, इस तरह पक्की चली दी आस्ता आस्ता। अच्छा, करके रखे हुए थे। अच्छा, चलो हम पैकिंग कर ला क्योंकि गर्मियां है लिया वा। हाँ जी, जल्दी जल्दी तुसी सारी पैकिंग कर लो ना। हाँ जी, ते देखने पैन पहन के ना कि सुबह सुबह दिन वीडियो शुरू की थी, कह रहे थे कि गांव के बच्चे ने पापा
मतलब हूँ अभी फिर कॉल करके बुलाया तो क्या भी कल टीचर लगनी है तो अज तुम घर आ जाओ तो ज्यान भी दवाई वगैरह डॉक्टर को दिखा दियो तो सामने भी फिर चक खुद ही चले आयो नहीं तो भाई जी वेद ने सू लैन आना सी तो असं क्या भी गड्डी घर मतलब नहीं छोड़ के जानी ना इस करके फिर खुद आए तो हम असी पैकिंग कर ली है तो गड्डी इन्होंने साफ सुथरी आके मैं हूँ गड्डी दिखाना वा जी मैं साफ की थी। हाँ जी यह गड्डी जी है ना मैं साफ कर दी है तो बिल्कुल आप आज सर्विस की थी है। हाँ जी तो हूँ इन मजीद जरा ना पॉलिश वगैरह करते हैं पंखे दी स्पीड बहुत कम है गर्मी लग रही है। हां जी हां जी ये तो प्रिंट शर्ट लॉन दी सी ना बेटा बड़ी हो जानी माशाल्लाह मेरा बहुत प्यारा बेटा लगता। हाँ जी ले ले हाँ जी बहुत माशाल्लाह प्यारा लगता वा। हाँ जी गर्मी लग रही है मैं बैठ ला जा बेटा बैठक च लै जाओ कैप लो साहब कैप की जरूरत नहीं है सीधी 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 ये लादन किस तरह चुकया बेटा तू। हाँ जी मेरे तीनों बेटे जड़े है ना तैयार हो गए अदन बेटा भी उमर बेटा भी ज़ियान बेटा भी। हाँ जी उमर की भी तैयारी माशाल्लाह बहुत प्यारी है तो अदन ने भी बहुत प्यारी तैयारी की हुई है ते ज्यान दे तक क्या ही कहने हैं ना। हाँ जी अदन कह दी मैं दूसरा सूट पाना सी अदन कह दी मम्मा जी तुसी मेरे नाल दा पाओ ना ए ज्यान ते अंदे वाल ही पक्का लेना ते बेटा स्टोनर करके फेर चक्या कर। हाँ जी चलो इन दूसरे रूम च ला जो ते मैं इधर दवाइयां वगैरह छापर च रख ला ते फिर चल दे। मार बेटा फालसे को आपने पानी डाला ही नहीं डाला। अच्छा मैं डालता हूँ। हाँ जी आपका क्या गुम हो गया। हाँ जी फिर भी कुछ ना कुछ तो लेने जा रही थी। नहीं आपको नहीं पता। अच्छा चले जी ठीक है। हाँ जी तैयारी कर ली मैं कर... तैयारी होगी चलो सामान मैं लेके आनी रखी है डिग्गी च। अच्छा तो ज्यान ने रोन लगा जना फिर थोड़ी धूप भी काफी है। चलो सही दे मेरे ख्याल 4 बज गए हले भी धूप है ता कि ताकि 12 बजे ले। हां जी मैं गड्डी मोड़ ला ना ते तुसी जेड़ा ना सामान इथे रख लो ना। सामान रख लेना नहीं इथे रख लेने सामान रख सामान रख लो ते बस बाकी चलो ठीक गड्डी मोड़ दे रहे मैं मंडिया मुझे चक लांगी। सही अदर वाह भी वाह मेरा बेटा बड़ा हो गया जवान हो गया मेरा बेटा। मच्छरदानी से अपनी तरफ नहीं है वो भी रख लेने हैं वो भी रख देने हैं। हां जी चलो रख दो। हां जी बस आप पर आई रखना से असली कड़ा ले लेना रहना वा। चलो सही चलो तुसी मच्छरदानी रख लो विच और बस यही सामान रखना सी। हां जी बस दो मच्छरदानी सब दवाइयां वाला छापर ले मैं होगी रख लेने। अच्छा जी मैं भी तैयारी कर लिया अजियान में लेके बैठी हूं कमरे च ते अदन दे पापा गड्डी मोड़ दे पे आ ते हुन असी चलदे हां। शाम हो गई आ भाई जवेर का दो दफा कॉल भी आ चुकी है क्या भी तुसी आए नहीं। अज मैं थोड़ी जी बेस ते मतलब जड़ा आप इन्होंने लिपस्टिक भेजी से वो लगाई है मैं क्या भी चीज़ा खराब ना होन इन्होंने यूज़ करो इस करके फिर मैं अज मैं क्या भी ना हल्का फुल्का मेकअप करना चाहिए वा ते पहले मैंने चीज़ा बिल्कुल पसंद नहीं सी है लेकिन हूँ मैं सोचा कि एक मेरी आंटी उन्होंने भी कहा कि बेटा थोड़ी थोड़ी चीज़ लगा लेनी चाहिए है तुसी केड़ा बूढ़े हो गए हो थानू मेकअप पसंद नहीं। मैं कहा चलो ठीक आंटी जी कहिंदे जो भी कोई इस तरह का काम करना आता ना तो मतलब ना तैयार हो जाया करो। मैं कहा आंटी जी ज़ियान छोटा वा कुछ कर नहीं देता तो नट भज के वीडियो बनाई दी अल कर ज़ियान थोड़ा जहा बड़ा हो जाएगा ना फिर इंशाल्लाह तैयार होकर फिर वीडियो बनाया करेंगे है ना ज़ियान इस तरह ही है ना। तो हूँ असं चलते हैं मैं पंखे के नीचे लैके बैठी सी मैं तुम गड्डी वगैरह मोड़ लो ताले वगैरह लगा लो तो फिर चलते हैं।
दिन मार अपने पापा नूं दस रहे हैं कि पापा जी गड्डी ले आओ, क्योंकि मार हर जाना ही मतलब गड्डी बाहर गेट चो गली तक ना पापा दसदा वा। तो चलो हुण असीं चलते हैं, जिहड़ा कुछ अच्छा सीन होया अपने भैन भाइयों जरूर दिखावांगे।